देहरादून चलते हैं पंकज राणा के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या इनपुट्स हैं नए मुख्यमंत्री के चुनाव के बारे में, नए चेहरे के चुनाव के बारे में और उनके साथियों के बारे में। क्या चल रहा है इस वक्त देहरादून में पंकज? रचन, देखिए देहरादून में भी वही अटकलें हैं जो दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन अब देहरादून की जो सारी नज़रें हैं वो दिल्ली में टिक गई हैं, क्योंकि दिल्ली से ही मुख्यमंत्री तय होना है और उसका ऐलान फिर देहरादून में आकर होना है। तो यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं जो जीत कर आए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनके स्वागत कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन उन सबकी जुबान पर यही चर्चा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये बात आपको बड़ी याद होगी और आप जानते भी होंगे कि भाजपा हमेशा चुकाने वाले बात सामने रखती है। आप 2017 की बात देखेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम जिस तरह से मुख्यमंत्री के दौर में एकदम से शामिल हुआ, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद जब बदलाव हुआ तो तीरथ सिंह रावत का नाम अचानक निकलकर सामने आया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये भी चुकाने वाली बात हुई। फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, पुष्कर सिंह धामी को भी तब बनाया गया तभी भी उनका नाम कहीं चल ही नहीं रहा था और एकदम से चुकाने वाली बात हुई कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे। तो इस बार भी क्या स्थिति भाजपा करने जा रही है ये अभी किसी को नहीं पता है। भाजपा के बड़े नेताओं तक को नहीं पता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि देखिए सारी संभावनाएं भाजपा तलाश रही है। जिस से दिल्ली में बलराम पांडे जी ने बताया कि बैठकों का दौर चल रहा है और क्या स्थिति होने वाली है यह भी किसी को नहीं पता, लेकिन जो संभावनाएं चल रही हैं, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करने की संभावनाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के विधायकों की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा इस संदेश को नहीं देना चाहती, क्योंकि चर्चाएं देखिए जो धड़ा दूसरा धड़ा है उसने ये चर्चाएं शुरू कर दी हैं कि अगर आप हारे हुए किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं कैंडिडेट को तो फिर यह संदेश जाएगा कि आपके जो 47 विधायक जीत आए हैं उनमें क्या कोई काबिल नेता नहीं है, उनमें से कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन जाए, तो इस तरह की चर्चाएं शुरू होगी। एक धड़े ने ये चर्चाएं शुरू कर दी हैं। अब हालांकि देखिए ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या करती है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। विधायक मंडल दल की बैठक में सिर्फ एक पर्ची आएगी, केंद्रीय नेता उन्हें बता देंगे कि ये आपके मुख्यमंत्री होंगे तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा, वो औपचारिक चीज है। कि चौंकाने वाले फैसले सामने आते रहे हैं और 2017 में बीजेपी के वहां पर सत्ता में आने के बाद ये हमने होते हुए देखा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बलराम और पंकज राणा, तमाम अपडेट्स के लिए। तो उत्तराखंड में जो चर्चाएं हैं, जो चेहरे रेस में आगे हैं वो हमने आपको बताए, लेकिन फैसला दिल्ली से होना है और जो कुछ वहां होगा सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देखेंगे।